जो हम लर्निंग कर रहे हैं बनाने हैं वो हमने दो रूल्स आगे देखे है ना। आगे जो पिछले जो वीडियो में हमने देखा रूल नंबर वन कैसे प्लूरल बनाना है, रूल नंबर टू में कैसे बनाना है। रूल नंबर वन में हमने देखा कि मोस्ट ऑफ द जो नाउन्स है उसमें सिर्फ एस एड करने से प्लूरल हो जाते हैं। रूल नंबर टू में देखा कि जो नाउन हो जिसका एंड एस डबल एस तो फिर ओ होता हो तो हम ऐसे नाउन्स में ईएस ऐड करेंगे। ओके, नॉट ओनली एस, उसमें हम क्या ऐड करेंगे, ईएस ऐड करके उसका प्लूरल बनाएंगे। अब नेक्स्ट रूल है रूल नंबर थ्री देखते हैं, उसमें हमें प्लूरल्स कैसे बनाने हैं वो देखते हैं। तो वेज ऑफ फॉर्मिंग द प्लूरल्स ऑफ द नाउन, अगर नाउन है वो वाई में एंड करता है तो एंड द वाई हैज अ कंसोनेंट बिफोर इट, वाई हैज अ कंसोनेंट बिफोर इट। और जो गुजराती में और हिंदी में आपको आता है स्वर एंड व्यंजन,
अल्फाबेट में स्वर एंड व्यंजन होते हैं, वोवेल्स यानी स्वर होते हैं। ओके, वोवेल्स कितने हैं अल्फाबेट में? 5 है। कौन कौन से? ए, ई, आई, ओ, यू। अब पूरी अल्फाबेट में वोवेल को निकाल के, वोवेल के सिवा की जो लेटर्स है उसको हम क्या बोलेंगे? कॉन्सोनेंट बोलेंगे, व्यंजन बोलेंगे, है ना। तो अगर वाई के बिफोर कॉन्सोनेंट आता हो तो हमें वाई को किसमें चेंज कर देना है? आईईएस में चेंज करना है। अगर ये डी है, वाई के बिफोर डी है, वो कॉन्सोनेंट है कि नहीं है? तो यस, वो वोवेल नहीं है, कॉन्सोनेंट है। तो हमें क्या करना है? लेडी हो तो लेडी का प्लूरल कैसे बनाना है? वाई को निकाल देना है, एल ए, एल ए डी वाई है ना, तो एल ए डी लिखना है। वाई को निकाल के उसका क्या कर देना है? आई ई एस कर देना है। क्या कर देना है? आई ई एस यानी क्या हो गया? लेडी का लेडीज, है ना। समझ में आया? जो भी नाम के एंड में वाई हो और वाई के बिफोर वोवेल नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए? कॉन्सोनेंट लेटर होना चाहिए, तो ही हमें वाई का क्या करना है? आईईएस चेंज कर, आईईएस में चेंज करना है। ओके, जैसे कि दूसरा हम देखें तो बी ए बी वाई बेबी, बेबी में एंड क्या है? वाई है, वाई के बिफोर वाला लेटर बी, बी है वो कॉन्सोनेंट है? यस, कॉन्सोनेंट है। तो वाई का हमें क्या कर देना है? बी ए बी वाई, तो वाई का हमें आई ई एस कर देना है। क्या कर देना है? आई ई एस। ओके, जैसे कि सी टी, एस सी आई टी वाई सिटी, तो सी आई टी वाई एंड है वो वाई में है, वाई के बिफोर क्या है? टी, टी है वो क्या है? कॉन्सोनेंट है, इसीलिए सिटी का हमें वाई है उसको, वाई को क्या चेंज कर देना है? क्या कर देना है वाई का? आई ई एस कर देना है। हो गया प्लूरल, सिटी तो सिटीज, आर्मी तो आर्मीज, है ना। मोर एग्जांपल्स मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, आप भी अपनी बुक में लिखो। क्या होगा? ए,
कंट्री का कंट्रीज, ट्राई का ट्राइज, ड्यूटी का ड्यूटीज, फैमिली का फैमिलीज, फैमिली का फैमिलीज। फिर है फ्लाइट, लेडी, लिली, पोनी, रिप्लाई एंड स्टोरी। नाउ रूल नंबर 4 देखेंगे हम। तो रूल नंबर 4 में आपको क्या है, तो व्हाट इज द नाउन एंड सी व्हाई। अगर नाम है वो वाई से एंड कर रहा हो एंड वाई हैज अ वोवेल बिफोर इट, आगे हमने देखा अगले नंबर 3 में, अगर नाम है वो वाई से एंड कर रहा हो और y के बिफोर अगर कॉन्सोनेंट हो तो हम y का ies में चेंज करते थे, लेकिन अगर y के बिफोर वोवेल आता है, कॉन्सोनेंट नहीं बल्कि क्या वोवेल, वोवेल यानी a e i o u, ये कोई भी लेटर आते हैं y के बिफोर, तो क्या करना है, तो इट्स प्लूरल E
अगर वाई के बिफोर क्या आना चाहिए, वोवेल लेटर ए ई आई ओ यू आता है, तो सिंपली आपको क्या करना है, वाई को चेंज नहीं करना है, सिर्फ आपको सिंगुलर नाउन में एस ऐड कर देना है। कैसे हम एग्जांपल देखते हैं, तो बे वो है सिंगुलर में ए।
रूल्स, रूल नंबर फाइव, ओके, रूल नंबर फाइव में क्या है, तो नाउंस एंडिंग इन एफ नाउन जो एफ या तो फिर एफ ई से एंड होते हो तो फॉर्म देयर प्लूरल्स बाय चेंजिंग VES. ओके, ऐसे नाउन जिसका एंड F या F E से होता हो वैसे नाउन अपना प्लूरल कैसे बनाते हैं, तो F और F E इसमें चेंज हो जाएंगे, VES में चेंज हो जाएंगे और अपना नाउन बनाएंगे, जैसे कि हम देखें तो लीव Bye.
स्टॉप करते हैं, आगे रूल कंटिन्यू रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, जितने भी रूल सीखे हैं उसको रिवाइज करना है और घर पे रीड करना है। ओके, तो रूल नंबर 5 तक लिख लो कंप्लीटली।